A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. So today we will discuss about methods of social work. So firstly we will discuss about primary methods of social work. So let's begin. और आप जो हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें. तो बढ़िए आगे बढ़ते हैं अब हमारे मेथड्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में. तो फर्स्ट मेथड ऑफ सोशल वर्क है केस वर्क. केस वर्क में कोई भी जब सोशल वर्क ट्रेनिंग या इंटर्न या फिर प्रोफेशनल सोशल वर्क का जब किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है या फिर किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को एक्सेस करता है और उसकी जो डायग्नोस करता है उसकी प्रॉब्लम को, तो उसको उस को कहते हैं केस वर्क. तो केस वर्क में एक इंडिविजुअल की जो है हम नीड को समझते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसको जो है फुली डायग्नोस करते हैं. उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग व्हेन वी आर कंडक्टिंग आर केस वर्क विद इंडिविजुअल और क्लाइंट. ओके, तो दैट इज़ केस वर्क. एंड नेक्स्ट इज़ ग्रुप वर्क. ग्रुप वर्क में हम क्या करते हैं, ग्रुप वर्क में कोई पर्टिकुलर ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ग्रुप के साथ ग्रुप फेस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल कोई कैंसर पेशेंट हैं जो फेस कर रहे हैं, जो मोटिवेशन उनका बिल्कुल जा चुका है या फिर कीमोथेरेपी से वो होकर के आए हैं जिसके वजह से उनके अंदर बिल्कुल मोटिवेशन नहीं रहा है और उनके सर के सारे बाल उड़ चुके हैं और वो मतलब अपनी लाइफ को मीनिंगफुल नहीं समझ रहे हैं बिल्कुल और उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं बचा है. तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, एक थेरेपी ग्रुप बनाते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप वी कैन फॉर्म, लाइक थेरेपी ग्रुप, ग्रोथ ग्रुप, एजुकेशनल ग्रुप एंड सपोर्ट ग्रुप और बहुत सारे टाइप के हम जो ग्रुप हैं बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप. ओके, तो दैट इज़ ग्रुप वर्क. द नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी प्रैक्टिस विच अर्लियर नोन एज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पहले जाना जाता था बट अभी ये कम्युनिटी प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है. इसमें कम्युनिटी के लार्ज सेक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको हम असेस करते हैं. इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं एंड प्रिंसिपल्स हैं जिसको सोशल वर्कर ट्रेनी और सोशल वर्क प्रोफेशनल सोशल वर्कर यूज़ करते हैं. किसी भी कम्युनिटी की फेल्ट नीड्स को समझते हैं जाके और जो अपनी जो सर्विसेज हैं वो डिलीवर कर सकें और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें और वहाँ पर उनको अच्छे से सर्व कर सकें. दीज आर द थर्ड मेथड्स ऑफ सोशल वर्क विच इज़ कम्युनिटी प्रैक्टिस. द नेक्स्ट इज दिस इज कम अंडर द सेकेंडरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क. द फर्स्ट इज इन द सेकेंडरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क द फर्स्ट इज सोशल एक्शन. सोशल एक्शन मीन्स जब भी हम कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा इवेंट है जिसमें कि हमें एक इवेंट चलाना होगा किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कम्युनिटी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गारबेज है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रखा है, वहाँ पर गारबेज है, वहाँ पर नालियों से पानी निकल रहा है और बहुत गंदगी हो रही है, तो हमें वहाँ की जो कम्युनिटी की जो फर्स्ट नीड हमें लगी, हमें लगा कि वहाँ पर हमें जो है देखना होगा कि किस तरीके से ये कचरा वगैरह बढ़ा है सारी चीज़. हमने उसके लिए डायग्नोस किया लेकिन उसके बाद हमने कम्युनिटी प्रैक्टिस में लोगों से बात करना शुरू किया लेकिन उससे बात नहीं बनी, लोग अवेयरनेस क्रिएट की उससे भी बात नहीं बनी, तो हम क्या लेंगे फिर लास्ट में सोशल एक्शन लेंगे. सोशल एक्शन में हम क्या करेंगे, जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको हम साथ में लाएंगे. लाइक अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो इसमें MCD है, उसको हम कॉल कर सकते हैं, उनको जा करके हम लोगों को कलेक्ट कर सकें, लोगों को मोबिलाइज करके हम एक सोशल एक्शन कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको इस बात की चिंता को बता सकते हैं कि यहाँ पर इतना प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए. जो भी पर्टिकुलर कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उसके लिए वो एक्शन लें ताकि जो है वहाँ पर जो सोसाइटी अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए और वो जो गंदगी वहाँ से हट जाए. ठीक है, थर्ड इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन. सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि इसका मेन फोकस होता है सोशल सर्विसेज को जो है एक्सेसिबल कराना है अंडर प्रिविलेज और नीडी पर्सन को. इसमें सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका जो एक पर्टिकुलर वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है टू सर्व. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है टू सर्व. ठीक है, तो इसमें हम जो है पर्टिकुलर एजेंसीज या पर्टिकुलर जितनी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उन एजेंसीज़ का जो वर्क है, वर्क ऑफ नेचर है, उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएँ और उसको मोडस ऑपरेंडी जितने भी है उसको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसको समझ कर लोगों तक सर्विस जो है डिलीवर कर पाएँ. नेक्स्ट इज है हमारा सोशल रिसर्च. सोशल रिसर्च हम जब कंडक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करते हैं हम पर्टिकुलर कम्युनिटी में जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेज हैं किसके, ड्रग्स एडिक्शन के बहुत ज़्यादा केसेज हैं जिसके वैसे हम वहाँ पर एक रिसर्च कर सकते हैं. सोशल वर्क रिसर्च के जो मेथड्स हैं वो अलग होते हैं और जो सोशल साइंस के जो पर्टिकुलर जो कन्वेंशनल यूज़ किए जाते हैं उससे वो थोड़ा अलग होते हैं. अगर सोशल रिसर्च के अगर हम बात करें मेथड्स की तो उसमें जो स्टेप्स हैं उसमें होता है सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद नीड असेसमेंट, उसके बाद हम करते हैं प्री इंटरवेंशन जिसमें हम रिसर्च डिज़ाइन वगैरह सब कलेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमें डेटा कलेक्शन ये सब, फिर उसके बाद हम नीड असेसमेंट हम करते हैं प्री प्री सॉरी मैं शुरू से बताता हूँ
फर्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, द सेकंड इज़ नीड असेसमेंट, हमें जो उसकी ज़रूरत को देखना है, उसकी इंटेंसिटी को देखना है उस प्रॉब्लम की। उसके बाद जो आता है हमारा प्री इंटरवेंशन, हमने जो इंटरवेंशन से पहले जो जो स्टेप्स लिए, उसके बाद आता है इंटरवेंशन, जो हमने इंटरवेंशन लिया, हमने जो जो एक्ट किया ताकि हम जो है वहाँ के एडिक्शन को रोक सकें। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, हमारा आता है पोस्ट इंटरवेंशन, जब हमने इंटरवेंशन लिया तो हमारा प्री की और पोस्ट की, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया है हमारे इंटरवेंशन लेने से, तो उसको हम असेस करते हैं, उसको करते हैं पोस्ट इंटरवेंशन के थ्रू। उसके बाद आता है इन्फ्रेंसेज या जनरलाइजेशन, ठीक है। तो इसके स्टेप्स होते हैं सोशल, इसके सोशल वर्क रिसर्च के ये स्टेप्स होते हैं, या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों होता क्यों है, तो उसके पीछे जब रिसर्च करते हैं तो हम पाते हैं कि जो पर्टिकुलर जो लोग इस तरीके के एक्ट करते हैं, तो उनका पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि वो हमेशा वुमन को ऐसे इधर अपने एक सबॉर्डिनेट की तरीके से देखते हैं, या फिर उनको लोअर लेवल पर नज़र से देखते हैं, ना कि वो उनको एज ए ह्यूमन बीइंग या फिर इस तरीके से कि वी आर इक्वल, इस लेंसेज से नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि मैन सुपीरियर हैं, और थोड़े मिसोजिनिस्ट जो उनकी थिंकिंग है उसकी वजह से इस तरीके के एक्ट होते हैं साथ में। और ये भी कि जितना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अगर बात करूँ, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बेस में, जैसे फॉर एग्जांपल हम कम्युनिटी के विजिट करने के लिए गए थे स्लम कम्युनिटी में, तो वहाँ पर मैंने देखा भी था जाकर के कुछ लोग जो हैं मतलब रिक्शा चलाने वाले, रैक पिकर, और ये छोटे छोटे जो काम हैं, छोटे जो लेवल के जितने भी काम हैं उन सबको करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो इतना मतलब एग्रेसिव होते हैं और इतना ज़्यादा उन पर क्यों मतलब एक डोमेस्टिक एक्ट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे एक्ट करते हैं, तो उसके पीछे मेरा पर्सनल अजम्पशन ये था कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटा है ना, उसको कभी भी सोशल में एक्सेप्टेंस नहीं मिली है समाज में, इतना उनको हमेशा से एक हीन की नज़रों, हीन भाव की नज़रों से देखा जाता है, उनको टॉन्ट किया जाता है, और उनके साथ साथ जो है अलग अलग परेशानियां भी वो फेस करते हैं, कोई भी उनको कुछ भी स्लर बोल रहा है तो उसका वजह से उनका एक जो अंदर फ्रस्ट्रेशन जो होता है, जो उनका अंदर का एक फ्रस्ट्रेशन होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसके वजह से उनका जो कथारसिस जो है ना, वो फिर आकर वो अपने घर पर निकलते हैं, अपने बच्चों पर निकलते हैं, वाइफ पर निकलते हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो वो ये एक हम भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप भी बता सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर स्लम की कम्युनिटी के लोगों में ही डोमेस्टिक वायलेंस जैसी देखी जाती है, नहीं, अपर जो मिडिल क्लास है या फिर उससे भी अपर मिडिल जो एलीट क्लास है या फिर अपर मिडिल क्लास है उसमें भी इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं, बट चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं इधर की तरफ बढ़ने वाले, क्योंकि इलिटरेसी है, पैट्रियल का माइंड सेट है, और फिर कहीं ना कहीं जो एक कथारसिस है उनका जो निकलता है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये रहे क्या प्रिंसिपल, ये थे मैथड्स ऑफ सोशल वर्क। तो इन मैथड्स को हम यूज़ करते हैं कोई भी पर्टिकुलर जब हम एक्ट करते हैं फील्ड में, तो हमारे ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं कि कहीं हम केस वर्क कर रहे होते हैं, या ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं, या कम्युनिटी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या फिर हम सोशल एक्शन कर रहे होते हैं, या फिर हम कर रहे होते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड को काम, या फिर हम कर रहे होते हैं सोशल रिसर्च। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, यही हमारा मोटिवेशन है कि आप जब कमेंट करते हैं तो ये हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर, बाय बाय।